सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जा रहे हैं ना बजरंगी, हमरा कुकुर कैसन का देलस कि कुकुर हमरा बाबूजी के ही दौड़ा दे। सही बात बा, पूरा गांव के नाक में दम क के धर देले बा। आज इनकर चल के कुछ ना कुछ फैसला हम सब के मिलके करे के पड़ी। सही बोलता रेनू भाई। सही बात है, एके सजा मिले ही के चाहिए। आज एके छोड़ब ना। कहां बाड़ू अंजला चाची? कहां बाड़ू ए बहन जी, बाहर आओ। काहे सबेरे सबेरे हमरा दरवाजे पे मछली बेचता रहा लोग? हमनी के मछली बेचतानी अतहार लेका जौन गांव भर में घूम घूम के लोग के परेशान कर रहल बा, ओकर का? अपना बेटा के संभाल ला चाची, हमनी समारे बुतर गई नहीं ना, तो सीधा गांव से बाहरी खेत देम। फैसला हो के रही आज। ओकरा साथे आप लोगन के जवन लगे ऊ करी लोग, पर हमरा दरवाजा पे आके दोबारा शोर मत करा लोग, समझला? और एक बार ना 100 बार हम कह देले बानी, हमार बिटवा से हमार कोनो संबंध नहीं खे। चला निकला लोग, मुंह का देखा तारा, निकला लोग। आ गईले सवेरे सवेरे। जमाना भाई, का जमाना है? चला चला, लागे तो हमनी के कुछ करे के पड़ी। बजरंगी हवा बहे के इंतजार, हवा बही तो लहंगा उड़ी, जब लहंगा उड़ी तो कुछ ना कुछ देखी। हट पागल, पागल हम की तोनी करे। पता ना का सोच के तारा घर वाला नाम कोमल धैले बाड़ा, बस नामा कोमल बाड़ू। एक नंबर गुंडी बाड़ू गुंडी तू। ए ज्यादा बोलबे ना, गर्दन के नस काट दे।
भीतर के सांस ना भीतर ही अटकल रह जाए। चल काम कर। ठीक बा। गुंडी हमरा के गुंडी बोल रहा था। ये क्या होता कोमल? आ गई ला हमारे राजा जी। हाँ। ला सेब खा ला। अरे सारा विटामिन तो छिलको है मोहला, वह तो छिल दे लू। इका तू ही ना कहला सारा विटामिन छिलका में होला, ला खा। अरे मर्दे हटो, क्या खिला रही हो तुम इनको? ज्यादा लाइन मारने कोशिश मत करो। काहे मुहर लगा के रख ले बाड़ू का? हाँ हमारे प्रसाद खाता ना, चुपचाप खाए दा। तोहरा के कहा इतना तकलीफ होता? ये हमार चिप्स खाएंगे ना, हमार सेव खाई है। हमार चिप्स खाएंगे, हमार सेव, हमार चिप्स खाएंगे। पहले आपस में फरिया ले जा, नहीं तो हम दोनों के खा ले। हाय मुर्रा तुम इनको किस काहे किए? ए होखे वाला बतार के होखे वाली जनानी, हमरा के जवन चाहत रहल हम ले लेनी, अब तू चाट ला इनका के। हम कोनो मलाई बर्फ ना है कि तू लोग हमके चटबू जा। चाटे वाला और लोग हाँ लाइन में, कबो हिने नजर फेर ला। रुक तोरा के बतावत बनी। का बोल ले? हाँ का बोल ले? हाँ जाके अपने बहिन के चटिया सुन ले बानी कि आज 20 के हो गए बिया। हाँ ए मैडम, हमार बहिन के बारे में तुहार बोले के हिम्मत कैसे भाई? छोड़, चलो 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 राधा, बुझाते हैं दंगा। पर बजरंगी कोमल हमारी दोस्त है, और दोस्त को मुसीबत में छोड़ के नहीं जाते। जाओ उसको बचाओ। भाई मर्द वाला कपड़ा पहन के खुद के मर्द बुझ रहल बड़ू, आज तुहरी मर्दानगी पूरे बाजार में दिखाई। जाओ झगड़ा के लिए बा ना वो देखी हम का करें। अरे यार ई का बात करता रहा, कोमल अपन दोस्त है ना, तोहरा के बचाओ के पड़ी। कैसे बचाई? 5-6 को बड़े सो हम ही के मारे लोग इन्हें सारी। बजरंगी तुम्हारे में बहुत ताकत है, जाओ उसको बचाओ। बजरंगी तू जाने ला, एक बार गांव में सारा इल रहे क्या था ना, भड़कल रहे तू अगरा कैसे शांत केला, ये तो 5-6 लोग बाड़े, इनका तो आराम से मार सकेला तू। और क्या, वो लोग सांड से ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी ना है। सही कहा था। का बात करते? अरे जा भैया जाओ। हम मार सकते हैं, मार सकेला। जाओ बजरंगी जाओ। ए? रुक जा लोग, हमरे दोस्त के छोड़ दो जा, नहीं तो सांड जी से मारे ला ना, वो सही मारो। अब कहाँ तो है? हो गई जो मार, जो मार ना, जो मार ना, जो मरबे मरबे मार। ओए जो ना, जो मार, जो अब हम तोड़ी। भागो तेरे। हाँ जी हमारी राजा। कहाँ देखा था वे? तो से ठीक भी आ। तुमको बोला था ना इनसे दूर रहो। सुन ना हम इधर आ, इधर आ, इधर आ। अंग्रेजी में मारा मारी मत करो, भोजपुरी में मारा मारी करो, ठीक है? जिसे कहूंगा मैं लड़े ली से ना रानी मंगजानी तोरी माँ। हमारे बलम पे लाइन जन मार, नहीं तो छोटावा उखाड़ब तोहार। कान में तोरे सुनो, अबे सिसवा में जाके पहले मुहा बनिहार, लागेल तू ऐसे जैसे मुहा ना बिलार। तोहनी के झगड़ा में जदी मोहा था पीटेंगे, बतावा गोर।
करी ले तो से जितना कबो न तो से इकारे खाली तोहरा अरे यार कुछ खट्टा खाए मन करता रहो गाभिन बड़े का एक काम कर चल पूरा बगीचा झाड़ दिया हाँ। हम कैसे जाएंगे और बगीचे की रखवाले तो कुत्ता करता है कहीं काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगते हैं और वो भी पेट में पेट की चिंता हमारा ऊपर छोड़ दो ओके हम संभाल ले ऐसा बात बात है चला आज झाड़ दिया जाए अरे चला अरे चल 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 अरे ते कहेला छलांग मारत रे हां चलो ई सब के चार चार हो गए ए सब बड़का तू ही खइबू हां अरे हमार जाले ल बालेसर हां चलो घर चले जाई हां मोटू चल का कह तारा हम जाई हां जा चली हम जाई जा चली हम जाई जा ये आम हम तो अरेला धोके लावत नहीं हां रुकिए बहुत वक्त हो गया अब हमें भी घर चलना चाहिए क्या हुआ हमेशा घर जाने के नाम पे इतना उदास क्यों हो जाते हो तू हर माई भी तोरे सकल से नफरत करती ना तब तोके पता चले समझ में नहीं आता भगवान ने आपकी माँ को किस मिट्टी का बनाया है अपने ही बेटे से इतनी नफरत माई के दोस्त मत दा जरूर हम ही कोनो गलती कइले हो खब तबे वो हमसे चिढ़ल रहेले ए राधा हाँ का होता है तोहरा के कितनी बार मना करनी ना कि पागल से नहीं खे मिले के तोहरा दिमाग में बात नहीं खे घुसत का एकर तब भाग्य खराब बा तोहरो खराब करके धो दी माँ जो मुँह में आता वही बोल देती हो तुम्हें पता है मैं इनको प्यार करती हूँ तो तोहरा के पूरे गांव जवार में यह पागल मिलल हा अगर तू हमार बात ना मनबू हम शहर भेज दे चला चला मा, चल माँ मेरी बात तो सुनो माँ आ गई ला गांव वालन के नाक में दम कई के अरे चार एक उपातर तोहार जैसन बहु बन से तो हम निर्बन से बहुत अच्छा रहती ऐसे काहे बोलत रे माई हमसे कौन गलती भइल बा गलती तोह से अरे गलती तो हमरा से भइल बा जे तहरा जैसन बैल के जन्म दिहली माई हमके भूख लागल बा रसोई में खाना बना के रख देले बानी जा थरिया भर के ठूस ला फिर चल देला गांव वालन के नाक में दम करे पलट मत भगवान भी ना जाने कोना जन्म के हमरा से बदला लेता ना तहरा जैसन को पाथर के हमरा माथे मड़ के कहाँ रह गेल रहला मर्दवा आई मुंह काहे लटकल बा बुझाता कि आज माई कुछ ज्यादा ही डोज दे देले बाड़ी ऐसन बात नहीं खे यार भले माई हमार हमके डांटे ले लेकिन हमके पता बा भीतरे भीतर हमके प्यार भी बहुत करे ले हाउ देखा पंडित जी चला हम कॉल जाए हाँ चल चली हे पंडित हुन मर्दे हे पंडित जी हाँ हमार हथवा बहुत जोर से खजुआ था तनी देख के बताओ तो का होके वाला बा
ए बेटा, तोरा तो आज कहीं से मोट पैसा आवे वाला बा। मोट? मोट माने कितना? अरे बेटा, कम से कम 10-20 हजार तो इवे करी। अरे वह बगली में अभी कितना बा? हमरा बगली में? हाँ? 500 रुपए हो ही। तब निकाली ना, खोड़े खोड़े फायदा करा होता नहीं। काहे के निकाली? निकाली? अरे निकाली निकाली, जल्दी निकाली। हाँ हाँ, निकालो ना बाबा, जब हमरा भरी पैसा आ जाई तो तुमके तिगुना को के दे। तिगुना? जोड़ के देखा था कितना होता। जोड़ा, चल रहे कम पांच, पांच दुनी दस, पांच तिहाई पंद्रह। अरे हमार मोटरसाइकिल लिया, हमार मोटरसाइकिल। हम का उ लेके गइल बा। ए रुका रुका रुका, तीन आदमी तो पहले ही से बैठल बा, तो के का मुड़िया पे बैठाई। हम बैठे खातिर गाड़ी थोड़े ना रुकनी ह, तारा नहीं के पता कि ट्रिपल राइडिंग पे चलान बा। हां, ऊपर से रहुआ लगे हेलमेट नहीं के। चला लाइसेंस निकाला, चला। लाइसेंस तो नहीं के। लाइसेंस नहीं के? ना। एको काम कर, गाड़ी के कागज निकाला। वो नहीं के। वो नहीं के? ना। गाड़ी के मालिक आ गइलन, जौन पेपर चाहिए इनके से मांग लो, ठीक बा? गाड़ी के मालिक? चल रे। कैसन पागल के गाड़ी दे दला है यार। अरे हम कहा देनी, वो तो खुद ही लेके भाग गई। खुद ही लेके भाग गई? एक नंबर के पागल बा, पूरे गाँव के नाक में दम करके रख लेगा। मस्त बेवकूफ बनाई गई। सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अरे लॉलीपॉप भी गाया, राते दिया भी बताया, बिहार वाला डांस में जवानी भी झलकाया। और क्या हुआ? सुना लला लला लुलिया के प्यार वाला भंग किया बदनाम, मुझे बहुत किया था। सॉरी सॉरी कहा था, रुते में छुआ के लेबू का जान गोरी की बरी बुता के। रग रग बनी रोजे पर फक्के पनियां, जालीदार घुरती से झलक जवानियां। हाय रग रग बनी रोजे पर फक्के पनियां, जालीदार घुरती से झलक मन। सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। हेलो, कौन? नहीं जानते? नहीं, सब तो गा रहे हैं। पर हम तो बजा रहे हैं। Yeah.
सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। रुका बजरंगी, रुका। काल हमरा बाबूजी के पीछे कुकुर काहे दौड़ ले रहला। ई बात अपना कुकुरे से पूछ लेता, यहाँ आवे की जरूरत ना पड़ी। कारे बजरंगिया, तू हम सारा गांव वालन के चैन से ना जिए देवे के कोनो क्रिया उरिया खैले बाड़े कारे। एकरा के तो रावण कहे में भी रावण के अपमान बा। घर में महतारी बीमार बिया औरी अपन आवारा गर्दी करता। का हमरा माई के तबीयत खराब बा। आई तोर तबीयत खराब बा का? कुछ हो भइल बा, तो से कोनो मतलब? खाना बना के धा दे ले बानी, जाके खा ले और निकल। ऐसे मत बोल माई, हम अभी डॉक्टर से दवाई लेके आवे। कोनो जरूरत नहीं खे दवाई लेके आवे की। हो सके ना तेको जहर के पुड़िया लाके दे दे, खाके सूझ जाई। कम से कम तहरा से मुक्ति तो मिली। ऐसे काहे बोलत रे माई, आखिर हमसे ऐसन का हो गेल बकी तू हमसे इतना नफरत करे ले? बोल भाई, का गलती बा हमार? बोल ना। तू जानल चाहता रे ना कि तहार का गलती हो? ता सुन, हिंदू लड़की से शादी कर रहे हैं? हिंदू लड़की से शादी कर रहे हैं? मुसलमान हो के हिंदू लड़की से? मेरा बगैर देखी नहीं सकते भैया। ए भैया, आपके बाप के दे भैया, बहुत प्यार करेंगे भैया। बहुत प्यार करेंगे भैया, हम जीना पाए भूख रहते हैं। आपके बाप के दे, आपके बाप के दे। तू मुसलमान लोगन ना सुधरबा, हमरे हिंदू लड़की के शादी करके पहला फुसला के धर्म परिवर्तन करके चाहता ना। के हिम्मत कैसे भइला हमरा गांव के लड़का के मारे के? तू बीच में मत पड़ा पवन भैया, तोरे गांव के मुस्लिम लड़का हमरे गांव के हिंदू लड़की के भला फुसला के शादी करके धर्म परिवर्तन करके चाहता। और तू मर्दे कैसन हिंदू बड़ा हो कि मुस्लिम के सपोर्ट करे तड़ा? हाँ, हमके पता बाकी मुसलमान है और तू लोग यही सब में लगल रह जा।
रहल बात धर्म परिवर्तन के, तो लड़की से पूछला हजा के का चाहतिया, बुलाओ के। ई हमरा से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करे के चाहत, और हम इनकरा से प्यार करी ले, हम अपना मर्जी से इनकरा से शादी करे के चाहता नहीं, और हम बालिक बानी। ई का बोलत भैया, दिमाग ठीक बा तोर? रुक जाई, सुन ले लजा, एकर इजाजत तो कानून भी देला, अब आप ही लोग बतावो जा का सही बा और का गलत। देखा हम तोहनी के साथे बानी, अगर तू लोग के ठीक लागा था तो तू लोग एक हो जा, और अगर तू लोग अपने माँ बाप के रजामंदी से उनका आशीर्वाद लेके करब तो केहू के कोनो तकलीफ ना होई। सॉरी ना चाहिए, हमेशा लेट हो जाला। ए हो करे जा काढ़ के ले जा मारा तलहारी जवानी, ए हो करे जा काढ़ के ले जा मारा तलहारी जवानी। अखिया तो जागे मन मन लागे तोहरा बिना को तो हुए रानी, हे हो करे जा काढ़ के ले जा मारा तलहारी जवानी। लत जब से तो से लागल जन बट भागल भैल बनी पागल, प्यार के लत जब से तो से लागल। दुनिया के सोझा जान हमर हो जाए दो अब न दानी, हे हो करे जा काढ़ के ले जा मारा तलहारी जवानी। हमसे न ल जाओ हद से पार प्यार करे के बाहो, दूर मत जाओ हमसे न ल जाओ हद से पार प्यार करे के बाहो। हम तोहर राजा तू हमर रानी, करे दो हमके मन मानी, हे हो करे जा
काढ़ के ले जा मारा तालहारी जवानी। पत्ता सो करो। सो करी हैं? ई बाजी भी हमार, अब की बार भी मोदी सरकार। सही कहला ना, का कहबा भाई देश ओनी जा रहल बा त जा रहल बा जा। ई कौन आई लोग? नया लोग कता। हां नया। हां नया लोग पैंट शर्ट में बा मरदवा बड़ा स्टाइल से। ए भाई सुनो, शिकारपुर जाए के बा। शिकारपुर की मंगलपुर? शिकारपुर। शिकारपुर है? हां शिकारपुर। हां तहने आवा है गड़िया तहार हो? हां बिल्कुल। यही से जाए वाला बड़ा का? और कौन चीज से जाए? अरे मार देवा तब तक धक्का धक पहुंच जाई बहने। सुना? अच्छा अच्छा। हई लौकत आगे रास्तावा हउ। हां ओई जैसे बाएं बगलिया जा। हां बाएं बगलिया के 2 किलोमीटर चलबा त नौतनवा गांव आ जाई। उ त तारा पते बा है ना। नौतनवा गांव से जैसे आगे बढ़बा त पानी पटाए वाला पंप सेटवा मिली फुक 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 पनिया फेकेला है ना। उ त तू जानते बड़ा। हां ओई जैसे आगे बढ़बा त बड़का खरियान आई। उ त तारा पते बा। अब भैया हमरे पता रही त तारा से काहे पूछती? तब पता नहीं खेता हमरा भरोसे निकल रहा है। इतना बड़हन गाड़ी लेके मर दे। रह दा। जा खोजा। अरे भैया रह दा, हम देख ले। हम अरे ढूंढा ढूंढा एहसान कर बका। ये जब फसल बा पूरा खेला हमार एहसान करी है। बताओ भाई भलाई के जमाना बा? नहीं भाई हम पता बतावा तनी। ये मालिक ना बुझाता ड्राइवर। साइड में लेना थोड़ा ऊपर। ए मैडम नया कुछ हो रहा बा का? कहीं तो पूजा करा दी। ए मैडम काची की दुकान खुलल बा? ये दुकान ही बैंक है। अरे कौन बैंक मैडम? ये दे दनादन बैंक 3 महीने में आपका पैसा डबल कर देगा। डबल? वो भी 3 महीना में? क्या बात है। तो इली हमारे 1000 के नोट आज जमा करो। इली 500? मैडम हमारे पास 200 है, जमा हो जाए ना। ए मैडम हमरो पैसा जमा हो जाए? सबका पैसा जमा हो जाएगा लेकिन आज नहीं कल। आप लोग कल आइए 10 बजे। अच्छा ठीक बा। ए चला लोग बिहान 10 बजे आवल जाई हमनी के। आओ तनी मैडम जा। चला कल ज्यादा पैसा। चला भाई चला। ई बैंक में वरिष्ठ नागरिक खातिर अलग से कतार के भी व्यवस्था। तनी कम झूठ बोलो। माने हम झूठ बोला तनी चाचा? अरे तू लोग ई बैंकवा के आज देख रहल बड़ा। हम तो भाई जमाना से ई बैंक के देखत आ रहल बानी। तनी कम फेक मरदवा। माने आजे बैंकवा के उद्घाटन भइल बा आ तू पहले ही से देख लेले बड़ा। बेटा इहे कहल जाला देह बढ़ जाई लेकिन बुद्धि थोड़े ना बढ़ी। अरे ई गांव में कल बैंक खुलल बानू हो। हमरा भैया के ससुरारी में कई साल से ई बैंक चल रहल बा आ हम तो कई बेर पैसा दुगुनिया भी चुकल बानी। हां अब काले देखिए चाचा, भोरे हम बैंक में लाख रुपए लेके जाई, धान से जमा करब और 3 महीना में डबल करके निकाल ले। अरे बाबा तोहरो जो 18-20 कट्ठा बचल बानू खेतवा, कुल बेच के बैंकवा में धा दा पैसा। जब डबलिया जाई तब दुगुना खेत की नहीं। अगर ऐसा बात बा लबार भैया तो हम काले ना अपन भैंसिया के बेच के कुल पैसा बैंक में जमा कर दे। अरे 3 महीने के तो बात बा। आ ओकरे बाद पैसा डबल हो जाई तब एक के बदला 2 भैंस खरीद ले। एकदम सही सोचले बड़ा बेटा। चाचा राम नाम के लूट मचल बा, लूट सके लता लूट ला। ई कहल जाला बैंक पैसा जमा करो तो मिठाई के डब्बा मिलेला। अरे भाई तनी खानिया हमरो खाती बनाइयो, हम खा ली तो पैसा दुगना हो जा। अरे तू बोरा खानी तरक ले के दे दे। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते कन्हैया यहाँ आवा। जी भैया। ये कैसन भीड़ है भैया? आपके ना पता बा बैंक खुलल बा, 3 महीना में पैसा डबल। ए दुनिया में ऐसा कोनो बैंक नहीं है जहाँ 3 महीना में पैसा डबल हो जाए। ये फर्जी बैंक है, तोहनी के एकरा झांसा में पड़े कोनो जरूरत नहीं है। चला निकला जाए यहाँ से, केहू ये बैंक में 1 रुपया जमा ना कराई, मुंह मत दिखा जा, निकला जा। अरे
कौन है ये आदमी? हम मैमी पवन सिंह हवन। ये गांव के लोग इनकरा के अपन भगवान मानेला। अगर ये बोल दिया ना कि बैंक में एक भी पैसा ना जमा हो तो बिल्कुल एक रुपया भी जमा ना हो और हम हूँ ना जमा कर मैम। क्या नाम बताया उसका? पवन सिंह। ओकर कोनो न कोनो इंतजाम कर ही के पड़ी। हम अपना बिजनेस चलाने के लिए शासन और प्रशासन के साथ हाथ मिलाते हैं, लेकिन लगता है दोनों फेल हो गए। अग्रवाल साहब टेंशन मत लो, सब मैनेज हो जाएगी। ये पवन सिंह ऐसी क्या चीज है जो गांव वाले उसके पीछे हैं? अगर ऐसे चलता रहा तो मुनाफा तो दूर, हम अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएंगे। हम कहता नहीं कि पवन सिंह के मार देता नहीं, सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। ए, चुप करा, तू नावे के बाहुबली बड़ा, दिमाग तो तारा लगे चारा होना के नहीं खे। अग्रवाल साहब, पवन सिंह के गांव में बड़ा नाम और प्रतिष्ठा, ओकरा के मार देला से गांव में टेंशन के माहौल पैदा हो जाए और हमनी के टेंशन के माहौल में धंधा ना जमा पाए। तो क्या चाहते हो, एक छोटे से इंसान के लिए हम अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाए? ना ना, तनी वक्त के इंतजार करे के, जब समय आई तो पवन सिंह नाम के कांटा के भी उखाड़ लाल जाए। उखाड़ दो उसे, नहीं तो तुम तीनों को उखाड़ दूंगा। का जरूरत रहा तारा के? अग्रवाल के बताओ के, अरे हमरा के बताओ के रहा ना तारा के। सॉरी सर, सॉरी सर, हम अपना जीते जी अपने गांव वालों के पैसा ना लुटाए दे। तू ये सब पचड़े में मत पड़ा भैया। बेटा पवन, हो सकेला जब तू सोचा तारा वैसे ना होके, हो सकेला कि बैंक वाला सही होके। ना बाबूजी, इस देश में बैंक नीति आरबीआई तय करेला और आरबीआई के लगे ऐसा कोनो प्लान नहीं है जवना से 3 महीना में पैसा डबल हो जाए। ई जरूर कुछ लुटेरन के साजिश है। अरे बेटा छोड़ा ये बैंक वैंक के चक्कर, तू अपने घर परिवार पे ध्यान दे। और सुना, सुमन के ब्याह खातिर 20 लाख रुपया जमा हो गई। हम चाहता नहीं कि तू लड़का वालन के घरे जाके दिन तारीख पक्की कर दे। जी बाबूजी, हम अपने गुड़िया के ऐसा ब्याह करब कि पूरा गांव जवार देखी। प्रणाम। अरे वकील साहब, आई 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 बैठी, आई बैठी। अचानक? अरे यार लली, एगो क्लाइंट किया, समय मिलल तो हम सोचली कि जात जात बेटी दमाद से मिलत चली। अरे तो बहुत अच्छा करी, बहुत अच्छा करी, वही घर है। अरे बिटिया। जी बाबूजी। अरे समधी जी खातिर चाय पाने लिया। अरे वो सब तो हो जाए, पहले ही बतावा कि दामाद जी इतना जल्दी में कहां जात रहल। वो कह कि बिटिया के ससुराल गए बड़े, ब्याह के दिन तारीख पक्का करे खातिर। अच्छा अच्छा, एक बात बताई, राव रुकालत कैसन चलत बा? अरे भगवान का शुक्र, बहुत बढ़िया चलत। आज ले हम कोनो केस हल्ली ना। रुकी रुकी, मदद करी पवन बाबू, ना तो हमनी बर्बाद हो जाई। का भइल? अरे पिंकिया के आँख के ऑपरेशन खातिर हम 10,000 पेट काट के जमा कैले रहनी। रउआ के मना कैले के बावजूद भी पिंकिया के बाबूजी उ पैसा ले जाके बैंक में जमा कर देले। पवन बाबू, हमरा के कैसे भी उ पैसा दिया द। तू बैंक पहुँचा हम आवतनी। बहुत मेहरबानी। तोहनी से कितना बार कहनी की सब के सब फ्रॉड हमेशा, भाग चलोगे यहाँ से। ये लूट मार के दुकान जवन खोल के बैठल बड़ू जा, एके चुपचाप बंद कर दा। नहीं तो कहीं अगर हम बंद करावे पे उतर गई नी तो सबके बोलती बंद कर दे। देखिए पवन जी, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है, ये सचमुच ईमानदार बैंक है। ईमानदारी बाकी बेईमानी एकर तो पता हम लगाइए ले। अभी काम के बात सुना, इनकर मरा तुहरा बैंक में कल 10,000 रुपया जमा कर गई बड़े, वो पैसा इनके वापस चाहिए। पर ये तो 3 महीने बाद सीधा 20,000 हो जाएंगे। इनके 20 ना 10 चाहिए, वो भी अभी के अभी। आप तो बुरा मान गए, बस मैं अभी दे रही हूँ, स्लिप दीजिए आप। इनके 10,000 दो। Thank you.
बाबूजी? कुछ ना। अरे रवा रुकी, हम उल्टी रोके की दवाई लेके आवा तानी। अरे सुना, ये दवाई से ठीक होके वाला रोग नहीं खे। का मतलब? मतलब तू बुआ बने वाली बाड़ू। सच्ची? बाबूजी। का भाई? बाबूजी रवा दादा बने वाला बनी। सच? हाँ। अरे वाह, जय भगवान। भैया भैया, हम बुआ बने वाला बनी। हम गांव में बता क्या बतानी। हुकूमत करे लहलिया तुहसे बाढ़ के ना बाटे पिया कवनो सीना तू ही जान अजहर बड़ जीने की हमार पिछला गलबा मन पागल बा धरे खाती अतवारी ते प्यारी रेशम के साड़ी प्यारी रेशम की साड़ी वना लगा दीका जरावा लागे नहीं के होके नजरावा संगे बाड़ा तू अगर नहीं खे हमके कोनो डर तोहरा खाने पिया पाते हम तक साचो कहीं नितार खिलाल बाड़ू ऐसे जैसे गुलाब के हाँ फुलवारी प्यारी रेशम के साड़ी ते प्यारी रेशम के साड़ी। ए भाई, भद्रकाली मंदिर जाए के बा। भद्रकाली मंदिर की कंकाली मंदिर? भद्रकाली मंदिर। हाय मोटरसाइकिल से जाइबो? हां जी। हां त ठीक बा, हाय चल जा सीधा अगला सीधा पाय मुड़ के पाय रे बटिया रे बटिया का पता है हम सब निकले मत निकले मत पाय रे बटिया रे बटिया सिंह के फिल्म लागला मरते। ए मर्दवा, हमारे इतना मालूम रहे तो हम चल ना जोई थी। अब कहला ना कायदा वाला बात, बियाह भइल बा। हां आ केचा केची कय गो बा? तीन गो। हमारा भरोसा पैदा कइले बाड़ा। ए मर्दवा, तू ओइसन काहे बोलत रह? हम बोलत नी, जब लड़का हमरा भरोसे पैदा नहीं कइले तब पता काहे हमरा भरोसे पूछे निकल गइला मर्दे। अरे निकला मर्दे, हमरा कुछ और निकाले के बात। जा मर्दवा बोले, पता नहीं कहां से चला तर से लुल्लू के पटा भाग। ए रुक रुक, सुना इतना जल्दी में कहां? भैया हम बैंक जात नी, हम का बताए कि तोहरा वजह से हम कितना पिछुआ गए नी। पिछुआ गईली? कहाँ पिछुआ गईला? तू तो भैया हमके बैंक में पैसा जमा करे से मना कर देला, हम तो मान गए नी।
लेकिन गांव के बहुत सारा लोग जाके चोरी छुपे पैसा जमा कर दे ले। उ सबके पैसा सीधे 3 महीना में डबल होके मिल गई। ई कैसे हो सकेला? हो सकेला ना भैया, ई हो गई बा। हम आज सीधा बैंक जाता नहीं और सीधे 25 लाख जमा करम भैया। 25 लाख? इतब तोहरा हैसियत से बहुत ज्यादा रकम बा, कहां से लेबा इतना पैसा? भैया तोहरा का मालूम नहीं खे, हम अपन खेत बारी माल मेहोसी सब कुछ बेचते लेबानी। जब हमरो पैसा 3 महीना में डबलिया के मिल जाए ना, तो हम सीधे दुगुना किन ले भैया। प्रणाम भैया। चल बंद कर, बंद कर ही गरीब के लूटे वाला दुकान। ए पवन, इज्जत से नाम ली, ऊंचा आवाज में बात करे वाला के हम जबान खींच लेनी। ए होश में तो बाड़े थे। चुप, तो से बात करनी है। चुप चाप बैठ, सुधर जो नहीं तो सुधार देव। पवन है टंगरी धके बीचे से फाड़ देव। ए पुलिस के सामने बदतमीजी से बात कर देते हैं। तुम्हारे पास सबूत है कि हमने फ्रॉड किया है? जब सबूत हो तो बात करेंगे, ना कम करेंगे ना बेसी करेंगे। जिस दिन मिल गया सबूत, उस दिन तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे। एगो जरूरी काम से हम पटना जाते नहीं बाबूजी, लौटे में 2-4 दिन समय लागी। अंजना भी 2-4 दिन नहीं हर घूमई है। बेटा इतना कौन जरूरी काम आ गई जो अचानक तोरा के पटना निकले के पड़ल? लौट के आई तो सब बताई। हाँ बेटा खुश रह, खुश रह। हाँ बेटा खुश रह, खुश रह। भैया पटना से हमरा खाती कुछ लेके आई है। ठीक बा। प्रणाम बाबूजी। अरे नरेश बाबू, आई आई आई, अचानक बैठी बैठी। सुनाई ले, मिठाई खाई। मिठाई कौन बात के भाई? हमार भाई बैंक क्लर्क से बैंक पीओ बन गई। अरे प्रमोशन हो गई। अरे वाह 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 वाह। सुमन बिटिया, जल्दी से भगवान के सामने घी के दिया जलावा, हमार दामाद जी के प्रमोशन हो गइल बा। हम चाहता नहीं, हाँ ब्याह के दिन जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतरवा ली हल जी। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन दहेज अब 20 ना 40 लगी। रउआ ये का कहता नहीं? कुछ गलत होई ना कहता नहीं महाराज। पहले रहल क्लर्क तो 20 लाख, अब हो गई पीओ तो 40 लाख। अब 40 लाख से भला कम का ली? जौन फैसला हुई सो समझ के बता दी, ताकि हम दूसरा जगह बात ना चलाएं। ठीक बा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अभी 40 लाख कहां से आई? जी आइए बैठिए। सर हमारे गांव में एक बैंक खुला है जो 3 महीना में पैसा डबल करके दे रहे हैं। अच्छा। उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। ऐसा कोई बैंक तो है नहीं कि 3 महीने में पैसे डबल हो जाए आपके, वो कोई फ्रॉड लोग होंगे। बाहर से आप फाइल ले लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा फाइल। ये रही आपकी फाइल। थैंक यू, वेलकम। देखिए महेश बाबू, इस समस्या जितना बड़ा बानू ओकर समाधान उतने आसान बा।
20 लाख रुपया जे रउआ सोन बेटी के शादी खातिर जमा कैले बानी नु ओकरा बैंक में डाल दी और 3 महीना में पैसा दुगना हो जाई। ओकरा निकाली और ब्याह कर दी बेटी के। ना पंडित जी ना, पवन मना कैले बा। अगर ओकरा के पता चली ना तो बहुत नाराज होगी। अरे पवन के अभी बतावे के जरूरत नहीं खे। 3 महीना के बाद जब 20 लाख के 40 लाख मिली ओकरा निकाल के ब्याह कर दी, झंझट खत्म। हमार तो यह राय बा, बाकी रहुआ जौन मर्जी। अब हम चलत हैं। प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी, पंडित जी बात ठीक ही कहा था नी। गांव के सब लोग पैसा डबल कर रहल बा, तो हमने काहे नहीं कर सके नी। अब फिर बात सिर्फ 3 महीना के बा, जैसे पैसा डबल हो जाए भैया के बता दिहल जाए। ना बेटी ना, पवन बहुत मेहनत कई के तोरा शादी खातिर पैसा जमा कैले बा। अगर कुछ हो गईल ना तो हमनी के कहीं के ना रहब। पर हमार शादी मनोज से ना भइल ना तो हम ना रहब। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। अब 20 लाख रुपया हमारा के जमा करे के बाद 20 लाख के 40 मिल जाए नू? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप जमा करा दीजिए। जी वो कहा कि मैडम हमार बेटा बहुत मेहनत से रुपया कमाई लेबा, अब हमारा बेटी के दहेज दे वही के बाद। पहले 20 लाख रुपया दे वही के रहल, अब 40 लाख रुपया दे वही के बाद। इसे हम 20 लाख ले आए बने। बिल्कुल बिल्कुल, आप जमा करा दीजिए। चालीस लाख मिल जाए नू? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पक्का ना? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। लीजिए, आपका नाम? जी सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, एक रिसिप्ट दीजिए। लीजिए मैडम, 40 लाख मिल जाए नू? अरे आप जाइए, मिल जाएगा, और भी लोग लाइन में हैं। जी जी जाइए जाइए जाइए। भाई हमारे 4,000 जमा कर दी। बाबू हाँ, आपन ब्याहवा तो टाइम से कर ले रहला है। आई केस पूरा पाक गईल, एक्सपायरी में पहुंचा के हमार ब्याहवा करबा। इनकरा से कर लेना भैया। अच्छा सुना है। हाय है बुलावट। का हो? हमके उपेंद्र बाबू के घरे जाए के बा। उपेंद्र बाबू? हाँ। का काम बा उपेंद्र बाबू से हो? तोहरा के काहे बताई, हमरा के पता बतावा। ए सोना सन बा, उपेंद्र बाबू ठार ले बुढ़ आदमी है, उनका यहाँ कुछ मिली तनियाले देखा ना। पागल आदमी बड़ा का? पागल रहती ना बाबू, तो अब ले उखियारी में ले जाके तार व्यवस्था कर देले रहती। ऐसे झापड़ मारम ना, प्यार का सारा भूत उतर जाई, गधा कहीं का। खिसियात का बड़ू? बुढ़ापे में चलल बड़ा इश्क फरमावे। बाबू ऐसा ना। ए बाबू सुन ले ला, न चांद होगा न तारे होंगे, बुझाता इस साल भी हम कुंवारे होंगे। अरे बेटा का उम्र का लड़का सब का भी धकधका के ब्याह हो रहा है, हमारा नसीब में लगता है इस साल भी छुहारे होंगे। बैंक में 5 करोड़ रुपए जमा हो गए। रोजी बैंक में ताला लगा। अरे दादा ओ दादा, अरे हमार कुल रुपया चल गई। अरे ये पूरा गांव वाला के कुंडली बनवले रही हम,
और ये बैंक वाला हमर कुंडली बिगाड़ के चल गई। सब खेत बाड़ी बेच दे, अब तो ये सोचा थे कि अपने परिवार के पेट। दादा दादा हमारा काम पता रहा है कि एक नंबर का 420 निकल गया। अभी बारह पूरी करे से कुछ ना होई, जितना जल्दी हो सके ना चला थाने चला जा। चलो 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 चलो। अरे साहब, अरे जाइए साहब, कैसे चलते हैं साहब, साहब के साथ में मिले बाप, अरे अपनी कार चलाने से वाले। सर गांव में बैंक बंद हो गया है, इसलिए गांव वाले हल्ला कर रहे हैं। अरे साहब बाहर आइए साहब, अरे साहब बाहर आइए साहब, 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 सुनिए ना साहब, सुनिए ना साहब, ए जब कोनो मर गेल बा का जे इतना भाई भाई करता लगे। अरे दरोगा जी, रोगा के तो मालूम हो कि इ गांव में एगो बैंक खुलल रहे और वो बैंक हम सारा गांव वालन के चूना लगा के चल गई। हाँ तो वो काम करे लगिन, तुनिक सब जाने मिल के वो चुनुआ खा लगिन। अरे सुनले बारी चूना खैला से कैल्शियम बढ़ेला। अरे साहब हम गरीब गांव वालन से मजाक ना करी साहब, कुछ करी साहब, नहीं तो हमनी बर्बाद हो जाई साहब, बर्बाद हो जाई। तो जब तुनिक आबाद भई रहला जा तब हम याद आई रहनी का नानू, जकरा जकरा पैसा दुबरिया के मिलल रहे वो सब जाने तो आसमान में उड़त रहल जा। साहब आप पुलिस वाला है, हमने के मदद कर रहा और फौज वाला साहब। हमरा का हमर फर्ज बतेबे, 154 धारा लगा के भीतर डालब, इतना ठोकब कि जन मसिया और हीरो बने के कोशिश करता रहे नू सब पिछवाड़ा से निकल जाए। पुलिस से पूछ के पैसा जमा कर रहल जा। है? सरकार दिन रात चीख चीख के टीवी पर कहता कि फर्जी बैंक के झांसा मत आवा लगीन, लेकिन तोहनी के ता सरकार के बाद घोड़ा के पाठ समझेला। अब जा लोग। अरे ऐसन मत कही सरकार, ऐसन मत कही, ये हमने कुल गांव वाले लोग बर्बाद हो जाए। अरे कौनो ता रास्ता होई साहेब। हाँ रास्ता बानू, यहाँ से आगे जाइए और बाएं मुड़ जाइए। चल निकल निकल। ए निकाला सर, निकल। ए भाई एजा हमने का कौनो सुनवाई नहीं होखे वाला, अब चले के विधायक जी के घर, अब वह कौन फैसला करिए। हाँ दो जा लोग, कहा बात बा लोग, विपक्षी पार्टी के रैली निकलने बड़ा का हैं? अरे नाना विधायक जी, अरे रघुआ से मदद मांगे आयल बानी। अरे कैसन मदद चाहिए बोला। गांव में बैंक खुलल, कुल गांव वालन के पैसा लेके भाग गए, अब पुलिस कंप्लेन लिखे खातिर तैयार है नीखे। रघुआ कुछ करी जो ना से हमनी के पैसा निकल सके। बस यह समस्या हो तुम लोगन के, पहले तो खुद गलती करवा लो, फिर ओकरा बाद में कोनो 19-20 हो गई तो लग जाइबा सरकार के पीछे। अरे सरकार के और कोनो काम हो कि ना है? अरे हमके देश के विकास करे के हो, देखा जौन कुछ भाई लोगरा के भूल जा। चला लोगन निकला, चला निकला, चला भैया। लागत है दुनिया में हम गरीबन के क्यों मदद ना करी। अभी लड़ाई ना हमने खुद ही लड़ल जाए। सही कहते रहा। हमने जाता नहीं विधायक जी, लेकिन एक बात याद रख, अब कितना चिराई उड़ी है आकाशा फिर करी है धरती के आशा। ए धमकी देता रे, तोर औकात हमरा के पता हो, एगो पाउच और एक नंबरी। अरे और हम है 10 नंबरी, चुनाव तो हम बाएं हाथ से जीत ले। चला लोगन निकला, चला ना तो लगा जूती आवे, चला निकला। बाबूजी हम कहले रहनी ना कि वो फ्रॉड बैंक है, बैंक के खिलाफ सारा सबूत जमा कर लेनी। अभी गांव से वो बैंक के उखाड़ फेंकल जरूरी बा। बाबूजी, बाबूजी, हे बाबूजी, हे, हे,
बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। एजेंट सोनी। गुड़िया, माफ कर दिया, हम मजबूर रहनी। मनोज के घर वाले 20 लाख की जगह 40 लाख मांगत रहले, यही से हम तोरा मना कैला के बावजूद भी सारा पैसा बाबूजी से कहके बैंक में जमा करवा देनी। हमके ना पता रहे कि बैंक वाला भाग जाये सन, हम तो के कैसे मुंह दिखाती। तो हर बहन इंसाफ के देवता, तुम नहीं सुधरोगे। अब आए हो तो वापस कैसे जाओगे? कुत्तन के भोकला से शेर अपन रास्ता ना बदलेला। हे, आज शेर के गले में कुत्ता के पट्टा डाल के कुत्ता बनाए सन। औकात से बढ़ के बात मत कर। ए, लंका में खड़ा वाले रावण के लंका में रावण के, पर लंका में खड़ा के भाई तो देख। राम जी, अपना सीता जी से नहीं मिलेगा?
अरे ले आओ रे सीता माता को। छोड़ो चल हीरो, सबूत निकाल चल। औरत के ढाल बना के कुत्ता लड़ेला। अच्छा वो 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 हो गया ना, चल निकाल फाइल, निकाल फाइल। ते मर बे कुत्ता के मौत मर बे। ए ये कुत्ता के मौत मरी हम बताओ तने। देता नहीं सबूत, हमरा पत्नी के छोड़ दे। तू चला। अरे तू जा। अरे तू जा, तू जा। शिप में डलवाकर इसे अरब सागर में फेंकवा दो। बस ओ दिन से हम दिन रात भगवान से एक ही प्रार्थना करत रहनी कि जो हमरे कोख में हो वो बेटा ही दे, जवन जवान होके अपने बाप के बदला ले सके। भगवान बेटा तो देहलन पर तारा जैसन जवन अपने आप के न संभाल सके वो अपने बाप के बदला का खाक ली। हमके कमजोर मत समझ माई, हम कुछो कर सकीला। ये हवे तारा बाप के काती का तू इनकरा के मार सकेला। दूध और अपने बाप के सौगंध, अगर ये चारों के ना मरनी ना तो जीवन में तो के कबो अपन सकल ना दिखाई। बजरंगी का भेल? बजरंगी अरे बजरंगी इतने गुस्से में कहां जा रहे हो? अपना बाप के हत्यारा से बदला ले भी।
बाप की हत्यारा के हथौर बाप की हत्यारा इचारो तारा के पता भाई लोग के हवे कितना पावरफुल लोग हवे तू कैसे मर भाई इन लोगन के कैसे मारा भी तो पता नहीं खे लेकिन ये जरूर पता बा कि हम एकनी के मारब भले हमर जान काहे ना चल जाए बजरंगी हम जानते हैं आप जो सोचते हो वो करके मानते हैं लेकिन हम ये भी जानते हैं आपको कदम कदम पे हमारे साथ की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम भी आपके साथ शहर चलेंगे हाँ बजरंगी जोन तू करे जा रहा बड़ा इतना आसान नहीं खे यकनी के मारल तो दूर इतना बड़ शहर में अकेले खोज न पाईबा हमनी के साथे रहल जाई तो काम आसान हो जाई हमरा चक्कर में कहीं तोहनी के जान चल गई तब वो जान ही का जवन दोस्त के काम ना आवे हमनी के तोहरा के साथे चले मतलब चलब हाँ चलो बजरंगी तुम्हें लेंस दिलाते हैं बिना चश्मे के तुम्हें सब साफ साफ दिखाई देगा सचो और ना तका लागत नहीं नहीं रुनियन हां शहर में हमनी के पहुंच गई नहीं जा अब तो एगो धमाका होके के चाहिए ये पागल फालतू में बेगुनाह लोग मारल जाई राधा समझाओ ना इनका कि बजरंगी प्लानिंग है प्लानिंग अच्छा ठीक बा आप समझ गए ना अब तू मत समझाओ नमस्ते बैठो 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 कमाल का जोक है डीएसपी जरा फिर से पढ़ो मरना तय है पहले किसको जाना है आपस में सोच लो नमस्ते बाकी यार इतना साल के गुंडई में हमके पहली बार ऐसा धमकी मिलल बा अरे यादव टेंशन काहे ले तारा मर्दे अरे हमनी के केहू अप्रैल फूल बनवले हो की वो सरवा जून के महीना में इतना हल्के में ला ले ना तो कोनो दिन केहू आके मार के चल जाई ए चुप मरे जूता से अरे चाचा सही तो बोल रहा है नहीं तो सारा बिजनेस हमको संभालना पड़ेगा ना सुधर बतू तुरित हा टंगड़ी गधा कहीं के हमें मारने वाला अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ अरे टेंशन मत लो कोनो सिरफिरा होई मजाक कइले होई अरे चिंता छोड़ा लो देखा हमनी के इतना दिन बाद मिलल बानी जा तो बोतल सोतल तो खुले के चाहिए पार्टी तो बनती है हैं अरे ऐसा रुखी सुखी पार्टी तहलो के मुबारक हम तो पार्टी मनाएं रात में और वो भी हमरा स्टाइल में चाचा हमऊ ताजा रात के हमरा पार्टी में अरे यादव लइकन के बर्बाद कर देबा ए जा बोतल लेके आओ जो ए ते खड़ा खड़ा मुका देखे तक जो ग्लास लेके जो कोटल के नाम लोग क्या फीता सके अरे बतावा और कैसे सुहाग रात बीता सके कोटल के नाम लोग क्या फीता सके सिजिया पसिया देखावत रहे हुनर दले गिर दहिले झूमा अरे देखे ना पाउले रूप हमर सुनर दले गिर दहिले
बच्चा लोग, चला तू लोग जा, तू लोग जा बाहर, जा जालो जालो, हाँ जालो तू लोग। चल अकेले अकेले चल भाई। तू पवन, पवन ना, पवन पुत्र बजरंगी। नहीं छोड़ दाम के। हमरा बाबूजी के तेही मरले बड़े ना। अरे बतियावे में टाइम वेस्ट मत करे बजरंगी, मारा इनका के। मारो बजरंगी, ये वही आदमी जिसने तुमसे तुम्हारे पिताजी को छीन लिया। अरे देखत कवाड़ा मरते, मारा के रखे। मारो बजरंगी, मारो मारो बजरंगी, मारो बजरंगी, मारो मारो। ये भाई निकला ऐसे, निकल भाई। हाँ चल चल। हेलो भाई, तोरे एगो दुश्मन खत्म। ते कहत रहलिस ना हम कुछ नहीं कर सकत, हम बस खाली आगे आगे देखत जो। एक बात बोली माई, अब हमसे नफरत ना करबे ना। हाँ बोल माई, अब हमार सकल देखबे ना। माई बोल ना रे, बोल ना। चल मैंने मारियो दलुआ, दवाइयो करवाई बू। ए हीरोइन समझाना अपना हीरो के। अरे भाई 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 भाई, ये अस्पताल चला ना। चलिए बजरंगी अस्पताल चलिए। हवलदार, एक एक चीज के ठीक से तलाशी ला, कोई भी चीज छूटे के ना चाहे, और इलाज के पोस्टमार्टम के लिए भेज दा। ठीक बस सर। सर एगो चश्मदीद गवाह मिल गिल बा। गजब हाल भाई अस्पताल के, सब कुछ भगवान है भरोसे चल रहा बा। बतावा 8 बजे से यहाँ खड़ा बानी, कौनो डॉक्टर सुधरने वाला नहीं खे। 8 बजे से आकर यहाँ किसी पे एहसान नहीं किए हो, हम अपना मरीज को लेकर 7 बजे से यहाँ बैठे हैं, हम तो कोई हल्ला नहीं किए है। ए? झूठ काहे बोला तारू, हमने के यहाँ 9 बजे से बैठल बनी जाए। अरे यार समझावा इनका के चुप रहे, एक शब्द और बोल लेना तो हम आपन कपड़ फोड़ ले। चुप बजरंगी, ये प्लान है प्लान, 9 बजे नहीं 7 बजे, 7 बजे। 7 बजे हे, 7 बजे हे भाई लोग, हमने के 7 बजे से यहाँ बैठल बनी जा। हे 7 बजे हाँ, बस बस देर हो तो। 7 बजे से आए तो क्या हुआ, कोई प्रधानमंत्री हो कि हल्ला कर रहे हो? चुपचाप बैठो, डॉक्टर साहब आएंगे तभी इलाज होगा आपका। मतलब जे प्रधानमंत्री ना होई ओकर टाइम पर इलाज ना होई हॉस्पिटल में, ऐसा कोनो रूल बा का? हाँ देखा बेचारा के कितना खून बह रहा बा, हाँ इलाज नहीं के कर सकत, डॉक्टर नहीं के आ सकत टाइम पे, तो कम से कम 2 बोली प्यार से बोल रहा। हटिए एक मिनट, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे आप लोग? हाँ बोलिए, मैं हूँ डॉक्टर, क्या बात है? आप डॉक्टर हो? ये कोई आने का टाइम है, हम 7 बजे से यहाँ बैठे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, शोर मत कीजिए, आइए हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, आइए चलो।
से। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें? अरे का कर ले माड़े? मर्डर किया है पंकज यादव का। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये किसी का मर्डर नहीं कर सकते। हाँ। मेरे पास चश्मदीद गवाह इस मर्डर केस का। अरे साहब कुछ ले दे के मामला हल कर दे। जो कुछ कहना है कोर्ट में आके कहना। लेके चलो इसे। अरे बजरंगी, अरे साहब बात बात तो सुनिए। अरे साहब अब क्या कही जाए? नाना जी, बजरंगी को पुलिस पकड़ के ले गई। अब कहाँ हुई? नाना जी कुछ ना कुछ करे के पड़ी। करे के कबा जो रायता तू लोग फैले ले बड़ा वही समेटे के पड़ी। मशहूर बिजनेसमैन मनोज यादव की हत्या के जुर्म में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है लोग बता रहे हैं वो निर्दोष है। क्या पुलिस इस मामले में वाकई में महज खानापूर्ति कर रही है? फिर वाकई में मासूम सा दिखने वाला बजरंगी ही हत्यारा है। आज बजरंगी की कोर्ट में पहली पेशी है, देखते हैं अदालत से क्या निर्णय आता है। पल पल की खबर। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलोर्ड, कटघरे में खड़ा यह मासूम सा दिखने वाला शख्स इतना दरिंदा है मिलोर्ड, इसने मरहूम पंकज यादव पर एक बार नहीं दो बार नहीं पूरे 10 बार चाकू से वार किया है। और इस जघन्य अपराध को करते वक्त ना ही इसके हाथ कांपे हैं और ना ही इसका जमीर। ऐसे हत्यारे को इस समाज में जिंदा छोड़ देना खतरनाक ही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का जुर्म है। और मैं इसके जुर्म को साबित करने के लिए इस घटना के चश्मदीद गवाह और मरहूम पंकज यादव के बुजुर्ग नौकर हरिया को इस अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हरिया हाजिर हो। अदालत को पूरी बात बताइए आगे, क्या हुआ था उस रात, क्या देखा आपने? यस साहब, अंदर जब प्रोग्राम चल रहा था तब मैं वहां से बाहर निकला, सामने देखा तो दो लड़कियां खड़ी थी, मैं उनसे बात करने लगा, इतने में मेरे मालिक की चीखें सुनाई दी और मैं वहां से भागा और खिड़की से झांक के देखा तो ये आदमी मेरे मालिक को चाकू से मार रहा था साहब, और मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गया। That's all, my lord. बचाओ पक्ष के वकील, गवाह से कुछ पूछना चाहते हैं? Yes, my lord. Proceed. Thank you. दोहरिया जी। जी। जिस दिन आपके मालिक का खून हुआ जी। उस दिन आपने मेरे क्लाइंट को खिड़की से उनका खून करते हुए देखा, तो जरा ठीक से देखकर बताइए कि क्या यही वो आदमी है? एक मिनट, आप चश्मा लगाते हैं? जी। बिना चश्मे के आपको ठीक ठीक नहीं दिखाई देता? नहीं, थोड़ा धुंधला दिखता है। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, चश्मे के बिना इनको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है। अच्छा ये बताइए कि जिस वक्त कत्ल होते हुए देखा आपने, उस वक्त आपने चश्मा लगाया हुआ था या नहीं? जी नहीं, चश्मा हॉल में रह गया था। यह भी पॉइंट नोट किया जाए,
तो आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यही वो आदमी है? लगता तो यही है। लगता है मिलॉर्ड, इनको लगता है, इनको विश्वास नहीं है ये पूरा कि ये वही आदमी है। दैट्स पॉइंट। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, पुलिस के मुताबिक और हरिया की गवाही के अनुसार पंकज यादव का कत्ल रात को 9 बजे के आसपास हुआ, और उस समय मेरा क्लाइंट पवन यादव की कोठी के आसपास तो क्या, उससे बहुत दूर था। और ये बात साबित करने के लिए मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मिश्रा को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलो। डॉक्टर हाजिर हो। नमस्ते। हाँ तो डॉक्टर मिश्रा। जी सर। आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? जी देखा है, बिल्कुल देखा है। परसों 7 बजे के आसपास ये हमारे हॉस्पिटल आए थे। इनके सर पर चोट लगी हुई थी और ये लोग काफी शोरगुल कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा लेट हुआ, तकरीबन 10 बजे के आसपास मैं आया और इनकी मरहम पट्टी किया, फिर ये दोस्तों के साथ चले गए। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। जी थैंक यू सर। मिलॉर्ड, अब मैं अस्पताल के चपरासी ब्रजभूषण को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। कंपाउंडर हाजिर हो। प्रणाम सर। हाँ तो ब्रजभूषण जी, डॉक्टर साहब ने अभी जो कुछ कहा वो सच है? जी सर सच है। आप इनको पहचान रहे हैं? जी पहचानते हैं सर। कैसे? परसों शाम को आए थे, बहुत हल्ला गुल्ला किए थे। अच्छा? और शोर मचाए थे। डॉक्टर साहब ने पट्टी किया और ये चले गए। वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? No question, my lord. Thank you. आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, that's all. रुक जाए जज साहब, ये सच ना। अदालत में खड़ा होके कबो झूठ ना बोलेगे चाहे, यही से हम सब सच सच बतावे के चाहता नहीं। हमनी के हॉस्पिटल में 7 बजे ना, 7:02 में पहुंचल रहनी जा। अब जो अनर बका है बका ही। गवाहों के बयान से यह साबित होता है कि बजरंगी बेकसूर है, लिहाजा बजरंगी को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। चार गो में से एक गो गईल, अब आगे के जाई आपस में तय कर ला जा। ए हीरो, धमकी ना, हमनी के मारल तो दूर, हमनी तक पहुंचे में तारा के छट्टी के दूध याद आ जाई। गाय के दूध सुन ले बानी, भैंस के दूध सुन ले बानी, यहां तक कि बकरी के दूध सुन ले बानी, ये छट्टी के दूध कौन जानवर के हरे? बहुत किस्मत वाला बाड़े थे, हमनी के अपन किस्मत अपना हाथे लिख के अपना जेब में रखे नहीं जा। और हम जेब में काट लेवे नहीं। प्रणाम। क्या लगा था बाबू के जाई पहले, ताऊ जी के हमर बाबूजी? हमरा तो लगा था तोहर बाबूजी। तो लगल 5,000 के लग गईल। सही बा। बाबूजी प्रणाम। हम तो तरह के सुखी रहे का आशीर्वाद भी ना दे सके नहीं। अपने बदला की आग में तू एगो भोला भला लड़का के खूनी बना दे लो। खैर जो भी होके हम ओकरे साथ हैं, अभी भी वक्त था।
हो जाए दा? काजी साड़ी में बड़ा सुंदर लगा तेरी। अच्छा जहिया से चढ़ल जवानी चर्चा में हम बड़ी बानी चर्चा में हम बड़ी बानी अरे जहिया से चढ़ल जवानी चर्चा में हम बड़ी बानी सब काहे ला हमके बिजुरिया जान मारे लाए गोरी कसला कमरिया हो कसला डालने के कोनो शौक नहीं के वो तो बस मूड बन तुझे तो मैं देख लूंगी ठीक से देखियो चलो बजरंगी इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं तो तोरा के कहता मुंह लगे एक्सक्यूज मी जहां कोई उम्मीद नहीं वहां मुंह मारने से क्या फायदा वेलकम गोबर में मुंह मारे के ना हमरा के कोनो शौक नहीं के पागल का भगवान ई कैसन बराव लीला केहू के को नहीं खे केहू के दो दो मिला साहब हमार बात के यकीन करी ओ दिन साहब के खून उहे आदमी कैले रहल और ओ दिन जे लड़की लोग नाचत रहे ना ओ दिन कोर्ट में ओकरे साथ रहे साहब अरे
मैंने खाना तो कुछ बाकी नहीं। अरे होने का ध्यान देता रुक। दूर रहो हमसे। हम खाली बानी, हमरा पर ध्यान दे। अरे तोरा पता घंटा ध्यान दे। रुक रुक रुक। अरे बजरंगी, अरे बजरंगी, बजरंगी। अरे भाई कहाँ लेके जाता राजा? दावत खाए खातिर। दावत खाए तो हमारा दोस्त लोग के भी ले ला। ये ड्राइवर भाई ठीक बा, हम अकेले ही चलब। चल 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 उतर। का बे उ दिन अदालत में का ले रहे के पहले मरी तो पहले मरबे ते जैसे तारा बाप के भयानक मौत देले रही ओहू से भयानक मौत तारा के देव हम पवन पुत्र बजरंगी जेरा। जा सेरा चीर फाड़ के रख देख रखे। जय हनुमान ज्ञान बजरंगी आप ठीक तो है ना? राधा ही देख देखना हे कोमल, ये देख भाई। हाँ? आज हम अपने बाप के दूसरे कातिल के भी मार देनी। ये बात हमार माई जानी तो कितना खुश हुई। क्यों को ना छोड़ो, सबके मार दे। क्यों को ना छोड़ो भाई, सबके मार दे। बस बजरंगी शांत, चल भाई। चलो बजरंगी, चलो चलिए यहाँ से, चलो। हेलो भाई, आज तो दूसर का दुश्मन भी खत्म। बेटा क्या बोल ली सा? एक बार फिर से बोलना बेटा। आज हमार माई हमके बेटा बोलला सिया। हमाई अरे हम तो पागल रहनी जे अपना जिगर के टुकड़ा के मौत के मुंह में दे देनी। हमरा कोनो बदला ना चाहिए, बस तू आ जा वापस। तुहार महतारी तोहरा के देखे चाहतारी रे, बस तू आ जा। जा बेटा। ना माई, हम तोरा दूध के क्रिया के अपमान नहीं कर सकत। जब तक सबके खत्म ना करब वापस ना आए। बेटा बेटा एक बात बताई, आज हमके जीवन के सबसे बड़ा धन मिल गई। हमरा के माफ कर दे बेटा, माफ कर दे बेटा। मनोहर। यस सर। अच्छा से तफ्तीश करो, कोनो सबूत छूटे के ना चाहिए। ओके सर। क्विक विक्रम, हम 100% श्योर बानी की हादसा ना हत्या, आई हत्या वो बजरंगी के कैला। अगर श्योर है तो एनकाउंटर क्यों नहीं करते? पुलिसिया चार्जशीट भी एनकाउंटर से कम ना होला विक्रम। हम ओकरा खिलाफ वैसन चार्जशीट तैयार करब कि ओकरा के फांसी के फंदा पर चढ़े से क्यों बचा ना पाई। हमरा पास गवाह और सबूत भी बा और सीसीटीवी के फुटेज भी। पैसा अभी लेम की बाद में? अच्छा ठीक बा, बाद में। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, हमने पिछले केस में बताया था कि ये मुजरिम
चेहरे से जितना मासूम दिखता है उतना ही ये चालाक भी। पिछले केस में इसे बरी करके अदालत से एक भूल हुई। दुबे जी, अदालत के फैसले पर सवाल उठाकर आपने अदालत की तौहीन की है। सॉरी मिलोर्ड, इस केस पे आइए। मिलोर्ड, सीसीटीवी फुटेज में बजरंगी की मौजूदगी ये साबित करती है जो दिख रहा है वो महज हादसा नहीं, वो एक बना बनाया प्लान है। मैं इस अदालत के सामने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की इजाजत चाहता हूँ। मिलोर्ड, मेरे पास इस कत्ल के दो और चश्मदीद गवाह हैं। मैं उन्हें अदालत में पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। दोनों गवाह हाजिर हो। अदालत को सच सच बताओ, आप लोगों ने क्या देखा? ये बात सच है कि हम बजरंगी को उठा कर लाए, और ये भी सच है कि हम लोग उसे मारना भी चाहते थे। उसके बाद हमारे साहब ने बजरंगी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया, इसलिए बजरंगी वहां से भागा। लेकिन बजरंगी फिर वापस आया और कुत्ते के कान में ऐसे ही कुछ बोला, और कुत्ता फिर हमारे साहब पे अटैक कर दिया। जज साहब, ये रहे दोनों चश्मदीद गवाहों के बयान, और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये साफ जाहिर है कि सीधा दिखने वाला शख्स वहां पर मौजूद था। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। That's all, my lord. बचाओ पक्ष, आपको कुछ कहना है? Yes, my lord. My lord, दरअसल ये क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बजरंगी को उठाकर ये लोग ले गए, फार्म हाउस इनका, कुत्ता इनका, और बजरंगी को मारना भी ये लोग चाहते थे। फिर अचानक बजरंगी ने कुत्ते के कान में न जाने क्या कह दिया कि कुत्ता आदमखोर हो गया। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, किसी भी कुत्ते को ट्रेंड करने के लिए 2-3 महीने का वक्त चाहिए। बाकी सर आप तो खुद ही ये सब समझ। जज साहब, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। इजाजत है। कुत्ते को अदालत में बुलाया जाए, और मैं उसके कान में कहता हूं कि जाओ जज साहब को खा जाओ, अगर वो आपको खा गया तो हम गुनाहगार हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम सबूत और वीडियोस देखने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि बजरंगी कहीं से भी गुनहगार नहीं है, इसीलिए यह अदालत बजरंगी को बाइज्जत बरी करता है। द केस इज डिसमिस। बजरंगी, एक बात याद रखिए, सेव कितनों भी सड़ जाए, आलू के भाव ना बिकाई, लेकिन सड़ल सेव के कुत्ता भी ना सूंघेला। मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा। अरे बाप रे, हम तो डरा गए नी। हमरा बाबूजी के तोहनी के धोखा से मरले रहा सा ना, अब हम तोहनी के दौड़ा दौड़ा के ना डरा डरा के मारब। प्रणाम। बबलू, अब के जाए, तोर बाबूजी या बॉस? हमरा तो बुझाता हमर बाबूजी। अच्छा, चल लगल। ओके, बड़ा जल्दी बाबा आपके सरात खाए के। चल। हेलो। जय हिंद सर, मैं राणा बोल रहा हूँ। बोलो। सर, वो एक दो दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अब कुछ दिन रेस्ट चाहता हूँ मैं। ठीक है, तुम आराम करो,
तुम्हारी जगह मैं किसी और को देखता हूँ। थैंक यू सर। सर, दू नंबर के पार्टी आइल बा, अंदर भुला ली। अब यहाँ दू नंबर ना, एक नंबर के काम हुई। हाँ सर। राणा साहब गए छुट्टी पे, अब चल मुद्दा का बात कर जाओ, जकरा खातिर हमारा के यहाँ भेजल गई बा। यहाँ भैल दोनों पिछला हत्या का गुत्थी सुलझावे के साथे साथे आगे कौन हत्या ना हो एकरा खाती आयल बानी, बजरंगी पे भी नजर रखा। जी जी सर। चला कुछ पता नहीं के चलत यार कि राणा कवना बिल में जाके छुप गईल बा। उठाना में आयल नवका दरोगा के भी हमनी के ऊपर शक हो गईल बा। अब ना हमनी के एक एक कदम फूक फूक के रखे के पड़ी। तू कहे के का चाहता रू कोमल? हम पुलिस से डरा के घर में बैठ जाएं? हम देखत आनी। तू के बाड़ू? मैं रोजी हूं। के रोजी? तुम लोग जिन गुनहगारों को ढूंढ रहे हो उनमें से एक मैं भी हूं। मतलब? तुम्हारे पिताजी की जिन जिन लोगों ने हत्या की थी उनमें एक मैं भी थी, लेकिन भगवान ने इस बात की सजा मुझे दे दी है। उन्होंने मुझसे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को छीन लिया। वो मेरे गुनाहों की सजा थी। मैंने उसी वक्त से गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा कर लिया। मैं अपने हस्बैंड और बच्चे की कब्र पर हर बुधवार को प्रे करने जाती हूँ। एक दिन मैंने देखा राणा वहां आया है, फिर मुझे शक हुआ कि वो हिंदू है, फिर क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। इसी सवालों के जाल में मैं हफ्ते भर उलझी रही। फिर अगले बुधवार भी वही हुआ। राणा वापस वहीं दिखा। मैंने राणा पे पैनी नजर रखी। फिर मैंने राणा को एक कब्र खोलकर उसके अंदर झांकते हुए देखा। मुझे नहीं पता वो उसके अंदर क्या देख रहा था। मैं बस कोशिश कर रही थी कि वो मुझे दिखाई दे। और फिर वो कब्र बंद करके वापस चला गया। मुझे राणा की हरकत अजीब लगी। मैंने कब्र के भीतर दफन उस राज को जानना चाहा। मैंने कब्र खोला तो देखा राणा का सारा काला धन उसी कब्र में मौजूद है, जिन पैसों के लिए हमने भगवान जैसे तुम्हारे पिताजी की जान ली। कि तभी मैंने अखबार में तुम्हारी फोटो देखी। तुम्हें देखते ही लगा वो देवता मेरे गुनाहों की माफी देने खुद तुम्हारे रूप में वापस आया है। अगर राणा को बिल से बाहर निकालना है तो जाके देख लो, अभी भी कब्र में उसके पैसे मौजूद हैं। उस पैसे को तुम लोग निकाल लो, वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। और हो सके तो मुझे माफ कर देना।
यस विक्रम बाबू। तुम हमारे बारे में क्या जानते हो एसपी? आप इस देश के जाने माने बिजनेसमैन हैं। गलत। मैं सरकार का रिमोट कंट्रोल हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी मेरे पैसे से सरकार बनाती है। जब मैं सरकार बना सकता हूं तो सरकार गिरा भी सकता हूं। मेरे दो दो आदमी मारे गए और तुम्हारा डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ धरा बैठा है। कान खोल कर सुन लो, मुझे वो बजरंगी सलाखों के पीछे चाहिए, वरना तुम सबका ट्रांसफर करा दूंगा मैं। डोंट वरी, बजरंगी बहुत जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। ये वर्दी केवल खाकी कपड़ा नहीं है, यह कसम है समाज की। इसके हिफाजत करने के लिए ही हम इसे पहने हुए हैं। जी सर, मुझे अपनी कसम भी याद है और वर्दी के साथ किया गया वादा भी। अगर इतना ही याद है तो दो हत्या करने वाला मुजरिम अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? सर, जिसे आप मुजरिम कह रहे हैं, मेरे ख्याल से समाज और सिस्टम का सताया हुआ इंसान है, और जिस इंसान को कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा वो कानून तोड़ेगा ही। ओह शट अप! एक पुलिस वाला होकर तुम गुंडे की तरफदारी कर रहे हो। राणा को प्रोटेक्शन दो, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाओ, और ध्यान रहे उसे एक खरोच नहीं आनी चाहिए, समझ गए? जी सर। यह है हमारे देश का कानून, लूला भी और लंगड़ा भी। चलो, चोरों के घर पहरा देते हैं। मूव इट। बजरंगी, बजरंगी, हेलमेट उतारो। का भइल साहब, लाइसेंस बा हमरा लगी। गाड़ी धीरे चलाया करो। ठीक बा सर। हेलो। अरे डरपोक, पुलिस वाला के पुलिस के जरूरत पड़ेला का? ए ए बजरंगी, हमरा कोनो पुलिस फोर्स के जरूरत नहीं है। तनी खिड़की से बाहर तो देख। देख ले ले, कान खोल के सुन। इतना मेहनत से जौन हराम के पैसा जमा कीले बड़े ना, अगर वो चाही हमारे लगे आजो, नहीं तो पूरा पैसा में आग लगा दे। ए ए ए ए ए ए रुक रुक, देख 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 देख, देखते हमारा पैसा का हाथ मत लगाइए। तो बोल बोल, हमरा कहाँ होगा एड्रेस हमरा के? अबे पैसा हम कहाँ छुपाले बनी, तो सिर्फ हमरा पता बा, एकरा कैसे मालूम हो गए? यहाँ कहाँ, जहाँ बुलौले जाऊँ। हाँ ए चचा, दरवाजा बंद कर दा, बड़ा मजा आवता, ठंडा ठंडा, कूल कूल। सर राणा का लोकेशन पता चल गया सर, सीधा बता रहा है सर। ड्राइवर गाड़ी सीधा लो। सर आगे से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट ले लो। ए बजरंगी, ला हमारा पैसा दे। हैं? पैसा? दे। ले, ले, ले। सर आगे से राइट बता रहा है सर। राइट राइट। दे तो देख बजरंगी, और पैसा दे दो बस। तनी आराम कर ले इंस्पेक्टर साहब, थक गए लोग बा।
हे बजरंगी, तुम्हारे पैसा दे दो बस। बहुत बेचैनी बा हराम के पैसा लेवे के। ले ए, का होता यहाँ पे, का होता और ये बैग में कहा? सर आपे खोल के देख लीना। हवलदार। यस सर। बैग खोला खोला। ए, ये पैसा तो हारा? सर हम गरीब आदमी हैं, हमार तो होइए नहीं सकत, यहाँ के बहुत बड़का आदमी है। हमार कैसे हो सकता, हम कहते नहीं क्या करा हो क्या क्या। अच्छा जब ही पैसा तो रहिए ना, इनका रहिए ना, फिर पैसा क्या करा? सर हमके लगा था ना ये गरीब लोगन के लूटल पैसा, एक सरकारी खजाना में ही डाल दी। हवलदार एक काम करा। जी सर। बैग के जब्त करा और गाड़ी में डाला। चलो। हमके लगा था इनकी अटैक आई बा। राणा हवलदार जल्दी आवा, पहले इनके संभाला, गाड़ी में डाओ, सीधे हॉस्पिटल लेके चला जल्दी। ए तुम चलो, तोरा से कुछ पूछताछ करेगा बा, जल्दी चला। ए ना चला। चली ना। बोली गड़िया ते चला के का भाई, जल्दी चलाओ कर तबीयत खराब हो रहा है। सुतनामा महावीर मंगलम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगीत कंचन भरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित तकलीफ होता है। बोला था ड्राइवर साहब तने तेज भगावा। हमरा बाप की बहुत तड़पा तड़पा के मरले बड़ा सर धोनी के, अब सारे तू मार। अरे लगा था हॉस्पिटल आ गई। जल्दी करा राणा साहब के निकाला, निकाला जल्दी स्टेशन में गावा। उतर ही राणा साहेब। साहेब दादाई तो बोलते नहीं खान। सर लगता है साहब तो मर गए। क्या राणा साहब? राणा सर। सर हम रुक ही की जाएं। हाँ तू जा। सर सर एक मिनट एक मिनट, शहर छोड़ के बाहर मत जाइए, कहें कैमरा के तोहरा ऊपर भी शक बा। जी ठीक बा। राणा सर बजरंगी कितनी खूबसूरत जगह पे लेकर आए हो, कितना अच्छा लग रहा है। बस हो गई अब घरे चला। क्यों कुछ काम है क्या? हाँ। क्या? अरे वो जैसे कोमल के लिए रहे ना। क्या वैसे तू करो ना। छोड़ो मुझे, छूना मत। जब जब छुआ तनी
कौन बदामी के चैन कोनावे में कर दसाजिया बिहान छोटी छोटी चूड़ी हमरा आटेला कलाई में लागी समय अब ही देह के ढलाई में कके बहाना पर बुझे माना तो कोई से कटल जाई जानी जब जब छुआ तानी कहलू की लाइका बहनी कहिया ले फानो पुछानी कहलू की लाइका बहनी धन खाई के बनाई नमी जाए अरे जोर से जवान नहीं हम भइल बानी अठारह के बाद होला असली जवानी जाकल बाजिया रा आव दुनिया रा परे ता मनमानी जब जब छुआ तानी हेलू की लाइका बहनी बेटा पूरी फिल्म देखनी है तो घर जा कोमल हाँ? 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 अरे बजरंगी हाँ? हम ठीक बानी ओए जा बालेश्वर के देखो हाँ? हे भाई भाई हमरा के माफ करता भाई हम तोर साथ ना दीपोली भाई क्यों रे पागल लगा झटका जरा देख तो सही जिंदा है कि मर गया आवाज नहीं आ रही लगता है मर गया इस पागल की पागलपंती तूने और बढ़ा दी नमस्ते नमस्ते करने के लिए दर्शन तो देने पड़ेंगे बेटा तो आजा मेरे पास नमस्ते करने के लिए हे हनुमान जी अगर हम सही मन तो हम क्या आशीर्वाद दें आगे आपकी मर्जी उजागर अतुलित बल धामा अंजन पुत्र कौन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा पाद वज और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान मुनि अति चातुर राम काज करिहे को अद्भुत कंचन सुबे को हसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे हाय सजीवन लगन दिया है श्री रघुवीर हसुर आए Oh
कहाँ रह गया रे? अपने हिंदुस्तान में ट्रैफिक भी तो बहुत है, फंस गया होगा कहीं। ए बजरंगी, बजरंगी, इतना जोर से चिल्लाओगे तो बजरंग बली भी आ जाएंगे, हम तो उनके पुजारी हैं। अपने आप को स्टार समझता है क्या? स्टार ना, पावर स्टार। चल आज तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक कुत्ता था जो 3-4 लोगों को काटने के बाद खुद को शेर समझना शुरू कर दिया। फिर एक दिन असल का शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उठाकर पटक दिया। लाइन तोरा ऊपर एकदम फिट बा। नहीं मानेगा, इसका बाप भी ठीक था और ये भी। ले आओ उसकी मां को। आइए माताश्री, आइए। की कहानी
कौन है रे तू? पवन। पवन? पवन? और ये पवन पुत्र बजरंगी। लेकिन तू तो मर गया था ना? शेर कभी मरता नहीं, जख्मी होता है, और जख्मी शेर और भी खतरनाक। तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझकर फेंकवा दिया था, लेकिन तुम्हारे ड्रग्स के साथ पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया और 25 साल की सजा हो गई। वापस आया तो देखा कि मेरा बेटा तुम लोगों की बैंड बजा रहा है। अब क्लाइमेक्स चल रहा है, आना तो पड़ेगा ही ना। सागर जय कपीस तिमलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र कवन सुत नामा महावीर बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन राज सुबेसा कानन कंदल कुंचित केसा धात लच और नाज के भून जने हूँ साजे शंकर सुवन के सरी धंदन तेज सहारे रामचंद्र के काल सवारे लाए सजीवन लखन जाए श्री रघुवीर हर सुर आए तो मूड़ी तोड़ देता हूं। माई
मगानी औले जवानी कहे को देलो नहदानी ए मगानी औले जवानी कहे को देलो नहदानी जब जब छुआ तनु कहेलु की लइका बहनी जानी बनाबा दामी के जान कोनावे में करे